अस्सलामुअलैकुम। हेलो गाइस, मैं हूं गुलजार अहमद। मैं हूं। आप देख रहे हैं जी एम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। देखते हैं वीडियो, तिगरू भाई की वीडियो है, देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ नए ट्रैफिक रूल्स के बारे में। नए ट्रैफिक रूल्स के अनुसार 500 रुपए से लेकर कई लाख तक का जुर्माना है। वहीं कुछ लोग नए ट्रैफिक नियमों को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। से बहुत अच्छा क्या है सरकार ने, दो हेलमेट होने से एक्सीडेंट कम हो गए। हमारे में डर बना रहेगा कि हमें पेनल्टी पे करनी है। सबसे अच्छी बात, प्लस पॉइंट ये है कि जो ड्रिंक एंड ड्राइव है, ठीक है, उस पे कंट्रोल होगा। तो कुछ लोग नए नियमों का विरोध करते नजर आ रहे हैं। ये सरासर सरकार ने जेब भरने के लिए नियम बनाए हैं। रूल बनाओ, बच्चों के नीचे वाले के लिए रूल बनाओ, ऊपर वालों के लिए रूल मत बनाओ। और नए ट्रैफिक नियम लागू होने के बाद कुछ लोगों में तो चालान कटने का इतना खौफ है कि उनका सोना भी हेलमेट लगा के हो रहा है। इतना ही नहीं, नए ट्रैफिक नियमों से कुछ लोगों ने तो बाइक चलाना ही छोड़ दिया है। ये जादू क्या है? प्रभु की कृपा, गाड़ी कौन चला रहा है? और हद तो तब हो गई जब एक भाई सभी जरूरी कागजों को लेकर ट्रैफिक पुलिस के पास पहुंचा, तो ट्रैफिक पुलिस ने उसके गाड़ी के कागज चेक करते हुए पूछा कि भाई गाड़ी कहाँ है। तो अपना भाई बोला कि मैं कागज चेक कराने आया हूँ, सब कागज ठीक हुए तो ही गाड़ी लेकर आऊंगा। और बात करें ट्रैफिक पुलिस की, तो वो भी किसी वाहन को अपने पास आते देख बस यही कहते हैं, पैसा लाए। लेकिन हमारे भाई लोग किसी से कम थोड़ी हैं। जैसे ही वो ट्रैफिक पुलिस को देखते हैं, और इन भाइयों ने तो चालान से बचने का सबसे जुगाड़ू तरीका निकाल लिया। ट्रैफिक नियम के अनुसार बिना हेलमेट के ड्राइव करना जुर्म है, पैदल बाइक लेकर चलना थोड़ी। तो ये भाई लोग निकल पड़े पैदल ही अपनी बाइक लेकर, और जिन लोगों के पास गाड़ी के पूरे कागज हैं, उनमें से कुछ लोग ट्रैफिक पुलिस के बार बार रोके जाने से परेशान होकर नए नए तरीके अपनाते नजर आ रहे हैं। उनमें से एक हैं ये साहब, जिन्होंने परेशान होकर सारे पेपर हेलमेट और गाड़ी पर ही लगा लिए। और कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो अपनी लाइफ में पहली बार हेलमेट पहन रहे होंगे, वो भी मजबूरी में नए ट्रैफिक रूल्स की वजह से। इस भाई के जैसे behind come in front LTA nampak LTA kena chin ada side. लेकिन हमारे देश में दुर्भाग्य की बात ये है कि लोग हेलमेट चालान के डर से पहनते हैं, खुद की सेफ्टी के लिए नहीं। अब इस भाई को ही देख लो, हेलमेट की वजह से अंबुजा सीमेंट से बनी दीवार से टकरा गया, लेकिन इसका सर सही सलामत है। अगर हेलमेट नहीं होता तो तरबूज बन जाता फटा हुआ। ये तो कुछ भी नहीं, कभी कभी तो आप एक साथ दो दुर्घटनाओं का शिकार भी हो सकते हैं। इस भाई के जैसे पहले इस बंदे का सर रोड पर लगा, लेकिन हेलमेट की वजह से इसने चैन की सांस ली, और तभी अचानक से इसके ऊपर बिजली का खंभा गिर जाता है, लेकिन हेलमेट की वजह से बंदा फिर बच जाता है। तो भाई, नए ट्रैफिक नियमों को कोसने से अच्छा खुद की सेफ्टी के बारे में सोचो। नए नियम एक तरह से सही भी हैं, ताकि लोग ज्यादा रुपए के चालान के डर से रूल्स को फॉलो करें, और इसका असर रोड पर देखने को भी मिल रहा है। लेकिन भाई, अगर मैं बात करूं अपनी, तो मुझे इन नए ट्रैफिक रूल्स से कोई शिकायत नहीं, लेकिन शिकायत मुझे इस बात से है कि अगर सरकार को जुर्माना लगाना ही था तो उन लड़कियों पर भी लगाती जो लेफ्ट इंडिकेटर देकर राइट मोड़ती हैं, उन लड़कियों पर भी लगाती जो ब्रेक होने के बावजूद पैरों से स्कूटी रोकती हैं और सामने से आ रहे किसी भी बंदे में पेल देती हैं, उन लोंडों पर भी लगाती जो सड़क को अपने बाप का समझकर नागिन की तरह लहराते हुए बाइक चलाते हैं, उन बुलेट बाइक्स पर भी लगाती जो पटाखे की भयंकर आवाज निकाल के कानों की माँ बहन एक कर देती हैं। भाई, इस सब पर तो 10-20 हजार एक्स्ट्रा जुर्माना होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो यार लाइक, शेयर, कमेंट्स करें, और अपनी बाइक या कार का हॉर्न समझकर वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा दें।
एक्सीलेंट यार, एक्सीलेंट ऑसम। आज की वीडियो मैं कहता हूं दिब्रू भाई के सारी वीडियो पर हैवी है भाई, ठीक है तुम्हारा बहुत अच्छा वीडियो भाई, एक अच्छा पैगाम दिया इतने हल्के फुल्के अंदाज में, मजा में और बंदे को समझ भी आए, बड़ी माहौल में इतना अच्छा पैगाम देना। आप दोनों को कौन सा अच्छा लगा वो जो डबल भाई, सारे ही अच्छे नहीं, एक का नाम लो ना, वो जो गिरा था पहले गाड़ी से टकरा गया एक्सीडेंट हुआ और खंभा दूसरा खंभा उसके ऊपर जो गिरा था भाई रुखसार में, ये एक हमारे माशरे में इंडिया और पाकिस्तान में एक नासूर बन चुका है, वो जो बुरी आते हैं ना हमारी, वही तिब्बू भाई ने पेश किया भाई, इधर हमारे यहाँ भी ऐसे ही है, हमारे यहाँ भी अभी भी बंदे ट्रक वाले बेचारे सेम जाते हैं, ये रूल अभी नहीं आया कि हेलमेट हर के पास ऊपर सर पर, मेरा भाई इधर भी है हेलमेट हर बंदे के पास होना चाहिए, उधर फॉलो किया हुआ मेरा भाई, इधर कानून है फॉलो है, मैं ये बात कर रहा हूँ हम फॉलो नहीं कर रहे, अप्लाई होता है, मैं तो 100 में 10% जो है, अगर नहीं फॉलो करते तो नुकसान तो अपना ही होगा, नुकसान आवाम का ही है या इसमें, वो बंदा पहले बाइक से लगा, बाइक वाला लगा गाड़ी को, फिर उसको खंभा गिरा, फिर भी ये जो कानून है ना हेलमेट का, ये सारे ये अवाम का है, अवाम को एक तहफ्फुज़ मिलता है, एक इंसानियत, ये अवाम का ही फायदा है यार, यार और ये भी बड़ा अच्छा लगा जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे ना अपने चारों हेलमेट पे लगाए हुए थे, ताकि यार ये ना हमारे जो पुलिस वाले हैं ना इतनी तफ्तीश करते हैं कि बंदा तंग हो जाता है, उसने भाई पैसे देने के लिए तंग हो जाता है, पैसे भी लेते हैं भी हमारे, हमारे साथ ऐसा हुआ है ना भाई, हर चीज सबूत होने के बाद मौजूद भी हमारे थोड़ा सा ना साइड पर जाकर कहते हैं यार 100 रुपया दे दे चाय पी देख ले भाई, फिर बंदा यार मजबूर होता, चलो कोई नहीं बड़े हैं यार कानून भाई, ये तो मजाक है ना, तो हम ये 100 में क्या होता है ना, इस नासूर को मिटाना चाहिए यार, ये जो छोटी छोटी करप्शन करते हैं ना ऐसे यार, मैं बहुत माशरे का ऐसे आदत पड़ जाती भाई, जो छोटी करप्शन कर सकता है वो बड़ी बड़ी ऐसी है, और जो बैग की कंट्री है भाई उस उधर तो मैं कहता हूँ ये एक भी रूल नहीं चलता, वो चल ही नहीं सकता भाई, उधर कानून है बैग की कंट्री में भाई, भाई इधर से कानून बनाए जाते हैं कागजी पेपर पेपर रूल होते हैं, अप्लाई नहीं होते, लेकिन हकीकत में जो अप्लाई कानून वही होता है जो अप्लाई किया जिसकी इम्प्लीकेशन हो जाए, कागज पर कानून हजारों है। मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ, जो बाहर की कंट्री है वो भी एक इंसान ही है, वो इतना रूल क्यों करते हैं, वो अपने माशरे को ऐसे रूल के मुताबिक जीते हैं, हमारे यहाँ पाकिस्तान में इंडिया में वो एजुकेटेड पीपल है, मुहर्रम माशरे इधर भी एजुकेटेड है, तो बात इधर भी पढ़े लिखे जो इंसान है वो भी वो कानून तोड़ते हैं, हमारे माशरे में घोला गया है, इसको सुधारने वाला कोई भी नहीं आया, अवाम ही नहीं सुधरना चाहती, हम कैसे जो शहरी अपने सिग्नल बंद हुए बने में खड़ा हो सकता है, वो कौम के साथ क्या खड़ा, बिल्कुल ये हकीकत बात है। हम रुखसार भाई और हम लॉ के सिस्टम में जाते हैं और जो मैं इशारे पर रुकते हैं और 10 सेकंड पहले ही मोटरसाइकिल वाले निकल जाते हैं, होती है मैं खड़ा होता हूँ तो गाड़ियों वाले बाइक वाले वो भी से हॉर्न लगाते हैं, वो निकल जाते हैं, वो निकल चुके हैं तुम भी निकलो, सारे क्या मैं कह रहा हूँ नहीं, लाल बत्ती बनी है हमारे फायदे के लिए, उनको फॉलो नहीं करते ना भाई, फिर नुकसान पता क्या करते हैं, देखते हैं चेहरे तो कोई बॉर्डर वाला नहीं खड़ा, अगर नहीं खड़ा बॉर्डर वाला नहीं रुक कर खड़ा फिर निकलते हैं, चाहे आवाम आगे दे ना ट्रैफिक गुजर रही हो, आप कानून के मुताबिक लाल बत्ती बलती है तो आप रुकना नहीं चाहिए, आप ये नहीं कि दौड़ा देनी चाहिए, मैं अक्सर ये नोट किया कि पाकिस्तान में बहुत धज्जियां उड़ाई जाती है भाई, इधर कानून को ना ट्रैफिक वालों को मानते नहीं भाई, भाई ये चाइना वालों ने ऐप के जरिए वो हम देखते हैं सोशल मीडिया पर वो ट्रैफिक के कानून बना रहे हैं बहुत सख्त, वो गाड़ी निकलती है ना तो वो एक प्रेशर सा लगता है वो उड़ा कर रख देते, वो 3D है कि वो उसको लॉन्च करने लगे हैं चाइना में भी होगा ऐसे रूल, मैं तो कहता हूँ वो रूल होना चाहिए, जो ट्रैफिक पर सुइयां निकल जाती हैं जब वो लाल बत्ती बलती है, ऐसा रूल होगा तो फिर ये कंट्रोल हो जाएगा। अब भाई आप क्या बात करते हैं, इधर ट्रांसफार्मर रात को वो तारे काट के वो उठा के लेके बिजली वाले चले जाते हैं, चाइना वालों ने 3D बन, वो मुझे बहुत पसंद आया कि ये रूल होगा तो फिर ही कुछ ये काम ऐसी भाई की हर काम का तोड़ निकाल लेती है भाई, उसका भी इन्होंने कोई तोड़ निकाल लेना है तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी बहुत फनी वीडियो थी ये गेम वाले, बहुत मजा आया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं भाई, हमारे व्यूअर से अपील है जो हमारे व्यूअर चैनल पर आते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते, हमसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, शेयर करें, तो मिलता है नई वीडियो के साथ, आप तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।